हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। एंड जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, तो ये रही बाइक एंड हम लोगों की लद्दाख ट्रिप पूरी ख़त्म हो गई है। ठीक है, आने के टाइम तो बाइक राइड करके आए थे नासिक से, लेकिन अभी जाने के टाइम चंडीगढ़ से गाड़ी शिफ्ट कर रहे हैं, बाइक शिफ्ट कर रहे हैं नासिक। ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो ये रही बाइक, ये रही मेरी बाइक, ये रही दोस्त की अजिंक्य की बाइक। तो ये जाएगी मुंबई अंधेरी, मेरी जाएगी नासिक। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है, तो अभी बस बाइक पैक होनी शुरू होगी एंड आज ही निकल जाएगी ट्रक में। तो सारा प्रोसीजर आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग अगर आप बाइक शिफ्ट करना चाहते हो तो आप लोग ट्रेन से भी कर सकते हो। तो चंडीगढ़ से होती है, एक अम्बाला से होती है। मेरी ट्रेन थी अम्बाला से, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर आगे है, तो फिर मुझे वापस जाना पड़ता सामान लेके और वो सब, और अब हेक्टिक हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा डायरेक्टली यहाँ से ही शिफ्ट कर दूँ ट्रक में। ठीक है, एंड चंडीगढ़ में काफ़ी 20-25 बाइक्स अभी भी खड़ी हुई है, क्योंकि अभी लद्दाख सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी राइडर्स हैदराबाद, केरला, सब जगह से आ रहे, ऑल ओवर इंडिया से। तो वहाँ पे सारी बाइक शिफ्ट होगी, तब हमारी बाइक जाएगी, तो उसको 10-15 दिन और लग जाता, तो इसलिए हम लोगों ने ट्रक से भेज रहे। और ट्रेन से भेजने का अराउंड कुछ 3-4 थाउजेंड होता है। बाकी इसका आपको भैया का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने बहुत जगह कॉल किया, लेकिन यही सबसे सस्ता मिला और अच्छा मिला। तो 3 लेयर पैकिंग हो रही है, सब हो रही है, वो सब आपको दिखाते वीडियो में। सभी बाइक पूरी रैप होते हुए एंड यहाँ पे भैया वाइज़र निकाल रहे हैं, मिरर्स ऑलरेडी निकाल दिए, तो ये वाइज़र भी निकल जाएगा, और ये जो हमारा मोबाइल माउंट था वो, एंड अभी ये पैनियर्स भी दे रहा हूँ मैं साथ में गाड़ी में, टेंट जो भी था एक्स्ट्रा, हेलमेट भी लगा सकता था, लेकिन मैं सोचा हेलमेट लेके जाएंगे साथ में। सो दोस्तों, अभी डबल रैप सेकेंड लेयर होते हुए, दोस्तों अभी ये ट्रिप थर्ड लेयर गाड़ी पे चढ़ते हुए। ठीक है, तो पहले बबल रैप, फिर कार्डबोर्ड का, एंड अभी ये पॉलिथिन का, ऐसे कुछ दिख रही है अपनी बाइक पूरी पैक होते हुए। ऐसे कुछ कवर हो गई ये गाड़ी, एंड भैया ने पूरे मेक श्योर किया कि फॉग लाइट, सारे फॉग लैम्प्स, ऑक्स लाइट सारे अंदर है, पैनियर्स भी सारे प्रॉपरली हो गए। ठीक है, इसमें मैंने अपना टेंट जो कैरी कर रहा था वो भी इसमें लगा दिया, तो ऐसे कुछ दिख रही है अभी बाइक। बाइक रेडी है अपनी शिपिंग के लिए, ये 3 लेयर पैकिंग हो गई है, पहले बबल रैप, फिर कार्डबोर्ड, और अभी ये ऊपर पॉलिथिन का। ठीक है, तो दोस्तों अपनी गाड़ी हो गई है पैक, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और ये है भैया राकेश जी। ठीक है, तो ये है हरिओम पैकर्स, तो आप इनका नंबर नीचे कांटेक्ट में दे दूंगा, तो आप लोग इनको कॉल कर सकते हो अगर आप लोगों को बाइक भेजनी है। ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं ना भैया? ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं। ठीक है, सो दे शिप ऑल ओवर इंडिया बाइक्स, हैदराबाद, केरला एंड वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, एंड फॉर आर केरला फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, सो दिस इज़ द थिंग। और आप लोगों को अगर कुछ भी है डिटेल्स, आप नीचे कॉमेंट में पूछ लेना, और रेट का, प्राइस का भैया से आप डायरेक्टली कॉल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया जी यहाँ से 4-5 दिन लग जाएगा ना गाड़ी? हाँ जी, तो 4-5 दिन में पहुँच जाएगी गाड़ी, एंड 100% गारंटी सेफली पहुँचेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने रैपिंग तो देख लिया कैसे हुआ है, बाकी ट्रक का वीडियो भैया हमें भेज देंगे जब भी लोड होगी, तो वो हम लोग यूट्यूब पर डाल देंगे। सो गाइस, ये वीडियो है नासिक का। सो 5 दिन बाद आप देख रहे हो ये, मतलब ये तो वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। तो मैं अपनी बाइक लेने आ गया हूँ यहाँ पे नासिक के इसमें। ठीक है, तो ये पहुँच गई सेफली यहाँ पे, और आप जैसे कि देख सकते हो ये गद्दी का ऑफिस है यहाँ पे। तो ये रही अपनी बाइक, चलते अभी इसको लेके घर पे, जल्दी ये रैप खोल देंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बाइक लेने आए थे डिलीवरी के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेंट लग गया है टंकी पे, तो ये थोड़ा नुकसान हो गया अपनी गाड़ी का। अभी यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, इतना डेंट हो गया है। ठीक है, तो अभी इंश्योरेंस में है, क्लियर हो जाएगा, बात करा मैंने रॉयल एनफील्ड शोरूम में। ठीक है, तो बाकी चलते हैं अभी गाड़ी लेके, एंड कल ये शोरूम में लगा देंगे गाड़ी। तो अभी ये इशू है इसमें, बाकी आप लोगों को दिखाते। Thank you.
गाइस, सो जैसे कि आप लोगों ने देखा तो अपनी गाड़ी पूरी बन गई है। और इससे पहले आपने जो क्लिप देखा होगा जब हम लोगों ने गति से गाड़ी ली थी अपनी, ठीक है, तो उन लोगों ने पूरी डैमेज कर दी थी, लेकिन अपना इंश्योरेंस था तो रॉयल एनफील्ड वालों ने पूरा क्लेम कर दिया प्रॉपरली। एंड जो भी मेरा इंश्योरेंस था उससे मैंने सब कुछ क्लेम कर दिया। तो बाइक कटे हैं, जो भी टैंक था वो चेंज हो गया है, वाइजर चेंज हो गया है, हेडलाइट हमारा क्रैक था वो चेंज हो गया है, इंडिकेटर टूट गया था वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी वो हो गई अपनी क्लेम में। तो अब गाड़ी वापस पूरी की पूरी नई बन गई जैसी कि आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो अभी चलते घर पे एंड आप लोगों को आराम से बाइक पूरी दिखाते हैं। एंड काफ़ी खुशी है कि नंदी अपनी वापस बढ़िया हो गई है, एकदम नई जैसी, ठीक है। तो जल्दी चलेंगे अभी अपनी राइड पे एंड अभी चलते घर पे निकलते हैं। Thank you.